सर्वर्धन माँ सरस्वती माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करता हुआ आजरी अपने सत्संग में विराजमान सभी भक्त सियारे चरणों में प्रणाम करता हुआ माँ सरस्वती माँ शारदा के चरणों में अपने माता पिता इष्ट देव गुरुदेव के चरणों में और माँ कर्णन मारे चरणों में प्रणाम करता हुआ विराजमान गुरुदेव श्रीमान सुमेध दास जी वैष्णव जन चरण में प्रणाम करता हुआ हाजरी सत्संग में आगे बढ़ाऊं दो चार जननारी हाजरी दूं कोई भी शब्द में त्रुटि हुए तो क्षमा कर दो धन्यवाद क्योंकि संसार में सबको एक वगैरह शक्ति और आदमी में जब तक शक्ति है तब तक वो रोम रोम कर सके कोई बान कोनी बात ढोनी आया कोनी को बेटा शक्ति को रे नी गोटा उतर दे दी बाकी हाथ मारा जा आओ जद कवि लोग लेके शक्ति बिना भक्ति नहीं भक्ति बिना योग नहीं योग बिना संजोग नहीं संजोग नहीं तो वीरे नहीं वीरे नहीं तो वैराग नहीं वैराग नहीं तो प्रेम नहीं प्रेम नहीं तो विश्वास नहीं विश्वास नहीं वेद में भगवान के ढपने में नेड़ो आओ कोने परमात्मा के नहीं तौला तपौला नगले अपन थारी खाल खाल इति सेन सेन से राखे ना पचे चंदुला थने न्याल बाकी भगवान बिना हो रहा भगवान खुद भक्त ने के लिए जे तू हो जाए मेरा ये जग कर दूं सब तेरा तेरा अरे जे तू नहीं रे मेरा पर दुनिया में भिड़तो रे भाई कोई नहीं है तेरा तेरा जिन राम जी हाथ है जिन कोई भी बाल बाल नहीं कर सके कर सके जा गोरा के साया मार सके नहीं कोई कोई अने बाल ना बंका कर सके सब सब बेरी होए मेरा भाई एक साक्षी ने लिखियो भाई मारन वालो उतारन वालो मोटो हो गया मोटो होवे है एक साखी में लिखे पपैया बड़ा धातरा ऊपर भने श्री शान एड़ी रे श्री शादियो सौरिया कीबित बच्ची मारो प्राण एक पेड़ मत को पपैयो बैठो अरे उन जंगल में एक शिकारी निकलियो अरे पूरो दिन वो शिकारी पियो पर भी कोई शिकार आते नहीं आई आखिर में वो पपैयो दिखियो बॉय जी शिकारी भी पपैया लगे निशान अरे और पपैया के ऊपर भरते एक शिकरो ने वो मारवाड़ी में वो बाज बाज शिकरो मन में विचार करे कने पपैयो ठू उड़े और कने इन पकड़ू हां पपैयो के भगवान जे उड़ू तो शिकरो पकड़ ले और जेबे तो उड़ू तो शिकारी कौन मार दे आगे के वो लारे खाइन बीच में लई पपैरी मौत आई आई तो जद केवे नी आदमी है जगह हार जा आखिर में राम जी ने याद करे है पपैयो भगवान ने याद करे हे परमात्मा हमें बचाओ जाओ तो आ टाइम है नी मारी मौत पकी है तो भगवान ने भगत दुखी देख भगवान पहला भगतरी शाय किया करे और भगवान आपरी भगतरी शाय करने वास्ते एक शेषनाग ने आदेश दियो अरे शेषनाग ने कहे भी तुम्हारो भगत दुखी है बिना थोड़ा दुख मिटान आजा आजा तो शेषनाग ने कहा का कोई धरती मन बिल वो निकलियो अरे सीधो जा रे शिकारी ने जान एडी ने दस 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 जावे और एडी एडी सर्वदर्शियो और शिकारी रो शरीर रो जो थोड़ो डिगियो डिगियो जन मीरा मैया में कहते डिगी मोटी छूटी मोटी छूटी शरीर डिगती हाथ में बोण हो जो छूट गयो छूट गयो ते डिगी मोटी छूटी लागो शिकरे रे बोण निशान घणी पपेर लगेड़ पर बाण जान सीधो शिकरे लागो ते डिगी मोटी छूटी लागो शिकरे रे बाण अरे मीरा के प्रभु गिरधर नागर इन बीच बीच को पंछी रो प्राण काल में काल खाई जो पर बीच में भगवान नो जीव बच 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 गो जद के भी मरन वालो उतारन वालो मोटो है मोटो। और संसार में शक्ति है और संसार में कवि लोग लिखे शिव और शक्ति रो एक जोड़ो हो गया जोड़ो है शक्ति बिना शिव नहीं तो शिव बिना दुनिया में शक्ति भी शक्ति नहीं है तो संसार में लिखे समूह बड़ा देव समूह मोटा देव कौन है देवाधिदेव महादेव तो महादेव जी एक वंदना आप भी सर सदम शंकर भगवान सुनो बिन बाद में माता जी जागने की एक दो वंदना मारी सुनो ना पर एक वंदना सर प्रथम मतलब कि आपस संसार में जितनी भी माया है वह सब की नहीं है महादेव महादेव जी महादेव जी भोले
शिव समान जी दाता नहीं और विपत्ति निवारण हार नदिया सबरी राखियो शिव भेद के ओ महान सबसे बड़ा अरे इससे बड़ा नहीं को जो इनका सुमिरन करे तो धरी सुती आत्मा हो सत संगत घर घर नहीं और नहीं घर घर गजरा सिंहन का टोला नहीं तो दाता नहीं चंदन को तात मिले पुनिमात मिले शुद्ध भ्रात मिले युवती सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साथ मिले मनवांचित पाई लोग मिले हिंदी लोग मिले सुन लोग मिले बेकूटा जाई सुंदर दासी ये सब सुख मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई भाई कभी लोग बहुत ही सुंदर बात बताई अरे के संसार में आदमी ने सब सब मिल जावे अरे पर दो चीजें मिलनी बड़ी दुर्लभ है दुर्लभ दो चीजें की एक तो बतावे मात पिता अरे मात पिता अपने हर घर में मिल जाओ पर सेवा करो लोगों को मिल जमारा मीच कर सके केवे नहीं संसार सागर है अगर मात पिता के नियम है और जिसने भी कीर्तन से सेवा उसका तो बेड़ा पार है और जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मत धार है क्योंकि मात पिता परमात्मा संसार मिलता ना दूजी वार है एक माँ बाप और एक आत्मा बैठा आशत संगत आशत्री जादर आदमी बड़ी दोरी है और जिना अच्छा भागे में कोई जाकर सत्संग सुन सके और जिना अच्छा भागे में कोई जाकर सत्संग करवा सके संत बात में एक जगह लिखे नहीं धरती कहे मैं बड़ी तो शेष नाग पर क्यों खड़ी शेष नाग कहता मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा शंकर कहता मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा कैलाश पर्वत कहता मैं बड़ा तो हनुमान के हाथों में क्यों खड़ा अरे हनुमान कहता मैं बड़ा तो भरत के बाण से क्यों गिरा और भरत कहता मैं बड़ा तो राम के शरणों में क्यों पड़ा राम जी कहता मैं बड़ा तो विभीषण के संग में क्यों खड़ा और विभीषण कहता मैं बड़ा जा सत्संग में खड़ा और ये सत्संग कहती मैं बड़ी किसी के पांव नहीं पड़ी अरे जो कोई आवे सत्री संगत में सुन लो उसको खबर पड़ी है आप जावा जाते ध्यान करे भी जागरण जागरण जागर के कोई ना कोई शब्द का ग्रहण करो ग्रहण करना अपने नाम जागरण बाकी तो है रात रोज को घड़ी हो जावे अब आपने बात भी कहनी खड़की गंगा ज्ञान दी अरे धुपिया मन का मेल ओ माते कपड़ो पहरड़े में ओ कितो ही गंदो हो जाओ मैंने आप हबू नो धोला सर्फ धोलो वो पाचो साफ हो जावे सजनो कपड़ा रो रंग को उजलो हो सके पर आपन मन रो मेल कटे धुपे के जागण के जावो और परमात्मा रा शब्द हुणो नी जण आपन मन रो मेल धुपे है जद के यो खड़की गंगा ज्ञान दी धुपिया मन का मेल अष्टकली भौरा खेले करेगा भौरा खेल अरे करेगा भौरा खेल ले रो ठाणा तरी आवे अरे पास बैकुंठा में पाए सोई अमर पद पावे पक्षु राम यो कहते हैं जी नटवो खेले खेल अरे खड़की गंगा ज्ञान दी जद धुपिया मन का मेल तो संत महात्मा भजन में लिखे और बोले ऐसी कुंडली लाया कि तू बड़ा ये कुंडली रे ना करी बेल अरे कुंडली तो लाया संतारी अंबर पे Thank you.
और कभी लोग भजन में लिखे और बोले हो अरे अमर है होई तो संसारी मर दे।
निर्माता की जय हो। जी जी कुण जी लाया चमड़ा रे भाई कुण जी नागर बेल अरे कुण जी लाया संसोरी अमर बेल संत महात्मा के लिए सत्संग बड़ी संसार में कोई बड़ भागी नर पाया और जीता भगत भक्ति करी सत्संग करी बेना दुनिया में बेड़ा पार क्योंकि काऊ देखो आदमी की पूजा नहीं रे बल्कि आदमी गुणों री पूजा होवे है। अब कौसा पलवन जी आदमी गणी हगरा है तो आदमी गुणों री पूजा हो गया पूजा गुणों री आदमी री पूजा नहीं रे अरे गुणों री पूजा की करवे संत पाद ने डिस्टर्ब में बतायो अरे कि आप मंदिर में आरती करो अरे आरती करो टाइम आपने जीवन एक शंख बजाया करो अरे आरती करो जने एक शंख बजाओ अरे शंख अपन हेंगर देखड़ो वाला संगत ही दो ही ऑटो 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 बटी जोड़ गणो गए संघ पैदा करू वे संघ पैदा करे समुद्र और समुद्र में पैदा होया करे एक सीप एक दिन सीप ने संघ आपस में दोनों जन मिलिया अरे जन बा सीप पूछियो संघ ने अरे के भाई थारे घर में तो हैंग हगरा करा है हैंग मोटा मोटा है अन थारे इतो को दुख पड़ियो है थारे पेट में कोटो घणी पड़ी है छोयो मुंडी जोड़ो बटी जोड़ो घणो है थारे कर दे ने देन पाए जनबा सीप पूछियो के सिंधु पिता भीड़ उठता चंद्र कलाए के जो तो सही है अरे अरे सीप कुन संग संग सौदर किंतु को थारे पड़ी पड़ी है समुद्र कण थारो पिता है मोती जड़ो थारो भाई है चंद्रमा जड़ो थारो भाई है लक्ष्मी जड़ी घर में बहन है अरे मैं तो हैंग मोटा मोटा है थारे कण दुख पड़ी है तू गोटो खड़ी पड़ी पड़ी जन बोल संग संग पाछो जवाब दियो हे बहन मारे घर में है तो है मोटा मोटा अरे परियाना कौन याना लगन छोटा है और एन एन कारण मारे घर पड़ी है के लगन लगन करके मारी बात हो तो के मारा पिताजी समुद्र देवता 14 रत्न वाला मालिक मालिक समुद्र में बताओ 14 रत्न श्री रंभा विश्ववारिणी अम्मी शंख गजराज धनु दहन गणवंत की सुश्री शुक्ल पद्मिनी बात ए 14 रत्न और एक दिन पार्वती जी आया पण ले अरे पार्वती जी के जीवन जोगी कन कन करे मार्ग रे राजपाट कर 14 रत्न है पार्वती जी जान शंकर भगवान ने शिकायत करी शंकर डोलो आयो तमो गुण और तीन नौकरा देवता भेड़ा कर समुद्र को जो मंथन रत्नराज ने निकाल दिया और कोणे कर दियो थारो जेल शंकर के बहन मैं देखो मारे पिताजी ने तो आरो पानी पड़ियो पर कोई चिड़िया रे इतिहास सुन कम आवे कोनी आवे दुख तो पद भई जाई होई एक एक मारे इन कारण में पड़ गई एक और मारो भाई मोती अरे काकू कहवे ने मोती माला बनावे ने जण हु यूं हेळ हो करनो पड़े करनो पड़े बिंदी जणो पड़े बिंदी जणो पड़े तने संग के बहन मैं देखू मारो एक ही भाई कोई हुई बिंदी जे जण दुख तो पद भई जाई होई जण एक मारे इन कारण में पड़ गई दो और मारो भाई चंद्रमा गौतम ऋषि रे गरगाल मुर्गो बन बोली होली तो आज रे दिन भी गौतम ऋषि रो श्राप लागोड़ो है और चंद्र माते आज रे दिन भी बेदाग लागोड़ो है हेक नहीं बाकी आज आके बुट क्यों डोकरी है नहीं आपने पोता न रमावे जने बतावे के बेटा देख बहुत सोवन है इन मन माते डोकरी बैठी है एलटीओ खाते है वो देख दो यूं है वो यूं है कई बात बात पर की कोनी सच में वो श्राप रा दाग लागोड़ा है जन वो सुन के मैं मारो भाई तो फूट रो है दाग लगे तो पद भई जाई जाई एक एक बार में डालो पड़ गई और मारी बहन लक्ष्मी घर घर गली गली पहुंच रहल हली घर रुके कोई मैं देखो भाई एक बहन भाई फिरती फिरे जन दुख तो पद होई नहीं जाई तो संग साथ कहयो के पिता का नीर कोई नहीं पीता भाई को बिंदन देख दुख सही है अरे चंद्र कलाए के घटक चोट ले ठहरे ना लक्ष्मी एक घड़ी है अरे अरे संग संग सुन शिव सोदर इंदु को मारे काटो पड़ी है इतना देख दे फोटो पड़ी बाकी फोटो हो रहा है पड़े पड़े होई को जद के भई बैठे भवा उमड़ा कठोड़े नागर बेल कठोड़े भवा संतोरी अमर बेल जद के भागा भवा उमड़ा बगीचो नागर बेल अरे सत्संग में भवा संतोरी अमर बेल अरे अपन बूढ़िया कहते नहीं ज्ञानी से ज्ञानी अड़े करे ज्ञान की बात अन मूर्ख से मूर्ख अड़े के मुकोन के थाप किन सु 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 तुमड़ा किन सु नागर बेल बेल सु 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 संतोरी बेल अरे भाई भाई सु 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 तुमड़ा दादा सु नागर बेल अरे सब सु 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 संतोरी अमर बेल अन कभी लोग लेके नहीं शब्द आ रहा गया सब सा सो
छोड़ियो राज अने जिन जिन शब्द विचार या हमारा सरिया काज अरे भाई शब्द री लागी रे सो जाने का अपन क्या जाने भाई आखिर आखिर में सूक्ष्म लागा कामड़ा कामी जे नागर बेल बेल अरे कुपड़ काटे आ ससुरी अमर बेल कने लागे 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 एक शब्द री लाग जा और नीदन बलि हरि हरि कुते गोता गोता आखिर आखिर राजा भरतरी की विनती सुनो सभा चित लाई अरे अमर हुई जो आशा श्री अमर बेल बोलो बोलो भगवान